हेमंत सोरेन सरकार के एक साल पूरे हो गए। हमारे साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी है, जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आज एक साल पूरा हो गया हेमंत, क्या कहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले आप सभी को, हम सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये है कि एक प्रयास है, तो और जिस तरीके का अभी समय गुजरा है, थोड़ी सी गति धीमी हो गई है, बट ये गति जिस तरीके से आज हम लोगों का यहाँ पे सर ने बड़ा कार्यक्रम रखा है, कहा जाता है कि समय छोटा लेकिन काम बड़ी, और सबसे पहले सोच बड़ी। जहाँ सोच आपकी बहुत बड़ी होती है, काम अपने आप और रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तो सरकार को और इन सारे सहायक पार्टियों को, उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड लेवल में जितने लोग हैं, जितने हमको सपोर्ट करते हैं, जितना प्यार करते हैं, उन सभी के लिए आज दिन है। ये आज हमारा अकेला का नहीं है। तो आप सभी को, आप सब मीडिया वालों को भी जिन्होंने इतना कवरेज दिया, इतना पेशेंस रखा, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत मैम, कोरोना काल था, जैसे ही मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे कोरोना हो गया जी। उस वक्त कैसा लगता था जब मुख्यमंत्री निकलते थे, लोगों से मिलते थे, वो कभी घर में नहीं बैठे, हमेशा बाहर निकले जी, जी। हमेशा कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते ही रहे। जब लोग डरते थे हिंद पीढ़ी में जाने में, उस वक्त मुख्यमंत्री जी कई बार वहाँ पे पहुँचे, तो उस वक्त आप कैसे दिन गुजरा आप लोगों का? देखिए, डरावना तो था हर किसी के लिए, बस यही दुआ रहती थी कि काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए, जिस जगह के लिए आपको चुना गया, वो काम करना बहुत ज़रूरी है। तो निकलना आपका कर्तव्य है। डर लगता था, लेकिन जितनी सावधानियां हम कर सकते थे उतनी सावधानी हम लोगों ने की, सारा चीज़ें हम लोगों ने अपनाया, अब तक हैं सुरक्षित। अब कोशिश करेंगे कि आगे भी आप लोग भी रहिए, हम लोग भी सब रहें। बिल्कुल, एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ, मुख्यमंत्री कई बार जो है वो पूरे जो जिम्मेदारी है, पूरे सरकार, पूरे राज्य की जिम्मेदारी है, आप क्या सहयोग कर पाती हैं मुख्यमंत्री जी? देखिए, ये तो पर्सनली सहयोग हो सकता है, क्योंकि घर में वातावरण वैसे बना के रखना कि जिससे बाहर में आपका बहुत कार्यकाल है, बहुत काम है, बहुत टेंशन है, तो घर में वो चीज़ें ना रहें, जितना शांत वातावरण रहे, बच्चों का है, थोड़ा एक फैमिली एटमॉस्फेयर जैसे आप कह सकते हैं, उसी को कायम रखने में मेरा पूरा सहायक है। समय दे पाते हैं बच्चों को, आप लोगों को, क्योंकि पूरे राज्य की जिम्मेदारी है और देर रात तक की भी काम करते हैं मुख्यमंत्री जी। जी जी जी, तो वो तो कहना मुश्किल है, कम है समय, बट जितना है उतना बहुत अच्छा है। किस तरह से घर में, जैसे बहुत टेंशन रहता है तो घर में आते, तो किस तरह से समय वो स्पेंड कर पाते हैं, और क्या चीज़ पसंद है मुख्यमंत्री जी को? नहीं नहीं, देखिए एक्चुअली पसंद अब पीछे छूट चुका है, अब जितना काम है, जितना कर्तव्य है, जो काम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, तो अपनी जो पर्सनल चॉइसेस थी वो अब कम हो चुकी है। तो जितना समय निकलता है वो सिर्फ राज्य के हित के लिए, सब लोगों के बारे में सोचने में ही निकलता है, क्योंकि तनाव भी काफ़ी रहता है, तो अब कैसे उनको समझ पाती हैं, कैसे सारी चीज़ें ठीक कर पाती हैं? देखिए, अब तो ये करते करते इतने साल बीत गए हैं ना, तो एक्सपीरियंस हो ही गया है तो वो मेरा अपना है, तो वो मैं जिस तरीके से अपना कर सकती हूँ मैं पूरा करती हूँ, कोशिश करती हूँ। ठीक है जी। एक अंतिम सवाल कि क्या और होना चाहिए, आपको क्या लगता है महिलाओं को लेकर, आप क्या मुख्यमंत्री जी को सजेस्ट करेंगे राज्य के महिलाओं? जैसे अभी सर ने किया है 181, हम ये कोशिश करेंगे कि ये जितना ज़्यादा एक्टिव हो उतना अच्छा है, और बीच बीच में जितने सारी और समस्याएं आएंगी उसी तरीके से जितना होगा वो रास्ता पूरा निकाला जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन, मृत्युंजय श्रीवास्तव, रांची, बिहार।